मन में दुविधा, मन में युद्ध है, मन खुद के ही विरुद्ध है, ये मन की कैसी रीत, सारा कुरुक्षेत्र सामने पड़ा, जीत सके तो जीत, यहाँ तू ही कृष्ण तू ही पार्थ है, तुझे खुद ही समझना क्या यथार्थ है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो सुबह सुबह मैं तैयार होने के बाद बिल्कुल कॉलेज के लिए निकल चुकी हूँ, तो आज बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है क्योंकि आज मेरी सारी क्लासेस लगने वाली है कॉलेज में। तो अभी मैं रास्ते में हूँ और देख सकते हैं आप हिसार सिटी को, बहुत सुंदर लग रही है आज। कॉलेज डेज भी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हम ये भी नहीं कर सकते कि भाई हम बिल्कुल ही कॉलेज डेज़ को इन्जॉय ना करें और बिल्कुल पढ़ते ही रहे, इन्जॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी जाती हूँ अपनी क्लास में, तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपनी इंग्लिश की क्लास में, तो यहाँ पे अभी तक टीचर आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक क्लिप सी बना लूँ, आप सभी को भी दिखा दूँगी मेरी क्लास। तो अभी मैं वहाँ क्लास लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए आ गई यहाँ पे गर्ल्स लोन में, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगी, थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करूँगी एंड उसके बाद मेरी है मैथ्स की क्लासेस। तो अभी मैंने मैथ्स की क्लासेस लगाई एंड आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज का कैंपस बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड उसके बाद मैं आ गई लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे बिल्कुल मैं एसी के नीचे बैठती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ठंड लगने लग जाती है, यहाँ पे अच्छा सा मौसम रहता है तो मैं यहाँ पे आना बहुत पसंद करती हूँ। तो अभी मैम यहाँ पे आके मैथ का रिवाइज कर रही हूँ जो मैम ने क्लास में करवाया था, एंड सभी क्लासेस वगैरह अटेंड करने के बाद मैं चल पड़ती हूँ दोबारा घर पे। तो देखो कितनी सारी फैक्ट्रियाँ दिख रही होगी आपको यहाँ पे, एक्चुअली हिसार को स्टील सिटी कहते हैं। और ये देखो हेल्ड्रा, जब बचपन में थे तो अगर कहीं भी हेल्ड्रा ऐसे हो जाती थी, वही हेल्ड्रा आई हुई है, तो देखने के लिए चले जाते थे। बिल्कुल ऐसे बचपन में अलग ही मन होता था, और अब हेल्ड्रा को देखने के बाद इतना कुछ नहीं होता, बचपन में बहुत एक्साइटमेंट होती थी। तो अभी घर आने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि थकावट हो जाती है कॉलेज में आते जाते हैं, और फिर कुछ देर के लिए पैदल भी चलना पड़ता है, ऐसे नहीं है भाई ऑटो सीधा ही कॉलेज के आगे रोक देगा, नहीं, वो थोड़ी दूर ही रोकता है और फिर वहाँ से पैदल जाना पड़ता है, 15-20 मिनट का रास्ता होता है। तो अभी मैं घर पर आई, हाथ मुँह धोया और अपने लिए बनाई है चाय। तो देखो चाय पक चुकी है। आप सभी को मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है। जी हाँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब हो रखी है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, और शायद मैंने कहीं सुना था कि जो सन है उसका थोड़ा सा पार्ट टूट गया, मीन्स थोड़ा सा होल सा हो गया है। तो बिल्कुल ही इस मौसम में तो थोड़ी बहुत ठंड आ जाती थी, वो तो बिल्कुल ही नहीं है अब, बिल्कुल ही गर्मी होती जा रही है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जून का महीना ही आ गया दोबारा से। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गई बाहर अपने हैंडसम पेड़ के पास, वहाँ बैठे महादेव जी, हर हर महादेव। एंड आप देख सकते हैं मौसम में सूरज देव तो जा नहीं रही है, तो लेकिन मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है अब फ़िलहाल, क्योंकि शाम का टाइम है ना एंड थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठूँगी एंड उसके बाद चलूँगी अपने रूम में। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में एंड आज देखते हैं क्या क्या करना है। एक्चुअली गाइस, हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा दुविधा रहती है कि हम क्या करें क्या ना करें, किस सिलेबस को करें, और क्या पता जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चंस आए या ना आए, तो क्या हम सही कर रहे हैं या फिर क्या करें, क्या चेंज करें, अपने शेड्यूल में क्या चेंज लाए। तो मैं आप सभी को यही चीज़ कहूँगी, आप जिस टीचर से कर रहे हैं उन टीचर पे बिल्कुल विश्वास रखो, वो जो करवाते हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ो। और अगर आप ऐसे करोगे कि भाई मैं इस टीचर का भी कर लेता हूँ दूसरे टीचर का भी कर लेता हूँ, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपका, बस आपका जो सिलेबस और बोल्ड हो जाएगा। इतना सिलेबस बोल्ड होता नहीं है, हम खुद बना लेते हैं। मैं भी आई हूँ इस कंडीशन में, मैं भी कई बार सोचती हूँ कि क्या पता सर से ही पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं, चलो किसी दूसरे टीचर का देख लेती हूँ वो कैसा पढ़ा रहा है। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने टीचर पे फुल विश्वास रखो, वो जैसे करवाता है करो, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रिपरेशन करो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो अभी मैंने रिवीजन करने के बाद बाहर आ गई हूँ मैं, एंड आज मैं मेरी फेवरेट भिंडी बना रही हूँ। भिंडी तो सबको ही पसंद होगी, तो मैं आज अलग तरीके से बना रही हूँ। देखो मैंने किस तरीके से इसके पीसीज किए हैं, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से।
एंड आज मैं देखती हूँ थोड़ी बहुत अपनी तरफ से कलाकारी करूँगी, देखते हैं क्या कुछ बनती है, अच्छी बनती है या फिर कैसे बनती है, वो अभी आप देखना। तो अभी मैं यही बना रही हूँ एंड इसके बाद फिर मेरे को करना है थोड़ा बहुत और पढ़ाई का काम। तो देखो भिंडी इतने बने, इतने मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गई, ये देखो आईफिल टावर। अरे मैं आप सभी को ये हर वीडियो में दिखाती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना इसका नाम रख देते हैं आईफिल टावर, रखती है आज से इसको आईफिल टावर बोलेंगे। तो देखो ये हमारे घर के बिल्कुल पास है एंड अभी चलते हैं दोबारा अपने रूम में। अभी मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की कुछ चैप्टर, ये ईगन वर्ड्स है एक चैप्टर का नाम, तो मैं वही कर रही हूँ। इस चैप्टर के क्वेश्चंस निकालूंगी एग्जांपल से, मेरे को थोड़ी बहुत हिंट मिल जाएगी एंड उसके बाद मैं फिर करूँगी क्वेश्चन। एक लड़की की रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप किस टाइम सोते हो और किस टाइम उठते हो, वो टाइम मेंशन करो। देखो नॉर्मल मैं उठती हूँ 7 बजे, और जब मेरा, मैं ऐसे नहीं है भाई मैं इसी टाइम सोऊंगी, मेरे ऐसे होता है जितना मैंने टारगेट बनाया हुआ है वो कंप्लीट करने के बाद सोऊंगी। एंड टाइम मैं इसलिए नहीं दिखाती, एक्चुअली मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है, मेरे को रिकॉर्डिंग भी करनी होती है और मैं ऐसे टाइम भी नहीं दिखा सकती। वो दूसरा फ़ोन है वो मेरी बहन का है, तो मैं उससे ऐसे लेके आऊँ और फिर वो रिकॉर्डिंग करूँ वो मेरे को ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं ऐसे बोल के ही बता देती हूँ, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं बताती हूँ। तो अभी मैं वही मैथ्स के क्वेश्चन कर रही हूँ और अभी ये मेरे हो गए और मैं आ गई थोड़ी देर के लिए बाहर। तो अभी थोड़ा मौसम बिल्कुल ठीक हो रहा है, सूरज देव जा ही चुके हैं और यहाँ पे बर्ड्स भी उड़ रहे हैं। मैं कैप्चर तो नहीं कर पाई लेकिन मैंने देख लिए। एक्चुअली बर्ड्स को देखने के बाद मेरा मन लगता है मैं भी इनकी तरह उड़ती रहूँ उड़ती रहूँ उड़ती रहूँ। और वहाँ पे बैठे अपने नंदी जी, नंदी जी को भी बाहर निकाल दिया है थोड़ी बहुत, वो भी हवा ले ले फिर दोबारा शाम को रात को अंदर ले आएंगे। तो अभी देखो वैसे पेड़ का भी गर्मी होना बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा बहुत तो गुड वाइब्स आती है पेड़ से, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पेड़ का भी। एंड अभी थोड़ी देर के लिए चिल आउट करने के बाद मैं दोबारा रूम में आ गई और अभी मैं नीतू मैम वाली बुक से थोड़ी बहुत वोकैबलरीज करूँगी एंड उसके बाद और करूँगी। तो मैं साथ में तरुण ग्रोवर सर के वाले जो नोट्स हैं उनसे भी रिवाइज करती हूँ, तो मैंने वोकैबलरीज कर ली थी और वो पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो अभी मैं चैप्टर कर रही हूँ आपको वही पार्ट दिखा होगा। एंड आज बनाई है मम्मी ने पूरी एंड भिंडी एंड साथ में आलू की सब्जी। तो अब देखो एकदम से बादल आ गए, अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरे को रेनी सीज़न बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ऐसे मौसम रहे तो बहुत ज़्यादा पसंद। मैं कभी कभी तो सोचती हूँ काश हमेशा ही ऐसा ही मौसम बना रहे, मौसम चेंज ही ना हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर के बाद आएगी बारिश। तो अभी मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।